फिर से हमारे घर हमारे रास्ते बच्ची में आ चुका है, तो चलिए इसको खाना देते हैं। तो ये लकड़ी घर की यूज के लिए, जो हम चूल्हा बोलते हैं। अभी बारिश आ रही है तो इसको यहाँ से ले लेते हैं। चलिए यहाँ से इसको उठाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं डेली पर आप सभी कमी जन्म स्वागत करते एक बार फिर से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत सारे ऐसे ब्लॉग बने हुए तो प्लीज़ उस पर विजिट करिए और सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये चूल्हा, हम गुजराती में इसको चूल्हा बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन ये मिट्टी का होता है। तो ये पहले भी था, बहुत अच्छा था मिट्टी का, लेकिन वो घर का रिनोवेशन के कारण उसको यहाँ से निकाल दिया था। तो पहले वो इधर था नीचे यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर सामान रखा हुआ है। आप सत को भी देख सकते हो, धुएं से काला काला हो गया है। तो अभी ये सब हमने चूल्हा बनाया है, इसको भी अच्छे से लगाएंगे मिट्टी से अच्छे तरह से। तो हमारे घर के पास का कुछ ऐसा व्यू है, तो सामने है दान, जो हमें गुजराती में उसको डांगर बोलते हैं। तो चलिए पास से आपको दिखाता हूँ। बारिश के कारण यहाँ पर बहुत सारा घास निकल आया है। और इस खेत में भी इसको बोलते हैं नीलगिरी। अभी बारिश भी आने वाली है, मौसम विभाग का आगाही है आज 2-3 दिन लगातार बारिश गिरेगी। अब देख सकते हो धान, ये सब धान है। तो सामने हमारा तिरंगा लहराता हुआ कोशिश है हमारे गांव में और हमारे घर के आसपास। बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहे और सपोर्ट करते रहिए। और बताइए कि आप किस तरह का वीडियो पसंद करते हैं देखने में। तो कुछ ऐसा है अभी, और सामने है हमारा घर। तो इमली का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। तो फ्रेंड्स सपोर्ट करते रहिए, आप सभी का सपोर्ट चाहिए हमारे चैनल पर। ऐसा तो बहुत फीचर में सोचा है वीडियो बनाने। और हमारे गांव में आप बहुत सारे मंदिर है, और साथ में हमारे पास में ही गुजर रही है वातक नदी, उसका भी वीडियो हमने बनाया है, देख लेना, विजिट कर लेना। बस आप सब का सब आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो सामने है नींबू का पौधा है, पेड़ है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ नींबू इसमें है कि नहीं। तो ये चीकू का पेड़ है, घर के आगे भी है, बहुत बड़ा है। और है इसको हम अनार बोलते हैं, हम गुजराती में इसको नारंग बोलते हैं। तो उसका पेड़ है। तो ये है हमारे घर के पीछे हमारे खेत, तो इसमें बहुत सारा घास हमने लगाया है,
क्योंकि हम भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, इसलिए तो इसका खाने के लिए यहाँ से हम कटिंग करते हैं और इसको खिलाते हैं। और सामने है मोर, जो अक्सर हमारे घर खाना खाने के लिए सुबह शाम आते हैं। और सामने है हमारा मंदिर माता जी का। तो यह लींबू, बहुत सारे लगते हैं लेकिन अभी सब निकाल लिए हमने। इधर भी है, हम देख सकते हैं। नीचे है शक्करिया, शक्करकंद बोलते हैं हिंदी में उसको। तो बहुत सारा यहाँ पर हमने लगाए थे, बहुत सारा यहाँ पर निकला है, आप देख सकते हो वीडियो में। नींबू भी पका हुआ नीचे पड़ा है, तो चलिए इसको उठाते हैं। ये पका हुआ नींबू नीचे गिर चुका है, और भी मिला। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे ब्लॉग बने हुए हैं, तो प्लीज़ उस पर विजिट करना और सपोर्ट करते रहिए। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही हमारे व्लॉग की वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। और सामने है ये बांस, हम गुजराती में उसको वास बोलते हैं। तो हमारे फार्म में बहुत सारे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, अक्सर मैं लगाता हूँ, साल में 5 पेड़ तो लगाता हुए। तो यहाँ पर है केसर कैरी का, जो हम बोलते हैं, हम इधर केसर कैरी बोलते हैं, जो आम का पौधा होता है वो। तो ये बादाम है, तो ये भी आम का पेड़ है, उसका भी वीडियो बनाए तो प्लीज़ उस पर विजिट कर लेना। कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे गांव का। और इधर है मेरा घर। तो ये बैंगन का पौधा है, 10 दिन पहले इसको हमने लगाया था, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये टमाटर है, ये भी टमाटर है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए और कमेंट कीजिए कि आप किस तरह से वीडियो पसंद करते हो। हमारे वीडियो के वीडियो आप भी बने हुए तो प्लीज़ उस पर विजिट करिए और आप सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जय माता दी, राम राम।